In Delhi, they are hugging. In Kerala, they are begging. And in Tamil Nadu, they are thugging. The nation is outraged when DMK leaders attack Sanatana Dharma, when DMK leaders try to bring disrepute to the Hindu religion. My question to the Congress party is this: how will you protect democracy with a DMK which is renowned for burning Baba Saheb Ambedkar's constitution? देश के संघीय राजनीतिक गलियारों में बड़ा सियासी घमासान मचा हुआ है। दरअसल केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने डीएमके के खिलाफ जोरदार मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने डीएमके पर सनातन विरोधी बयानबाजी करने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही तमिलनाडु में कांग्रेस डीएमके गठबंधन पर भी सवाल उठाए हैं। क्या सचमुच डीएमके ने सनातन धर्म के खिलाफ कुछ गलत बोला है? क्या इस बयान पर कांग्रेस की चुप्पी सवालों के घेरे में है? आइए जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। स्मृति ईरानी केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। वो भारतीय जनता पार्टी की स्टार प्रचारकों में से एक है। वो उत्तर चेन्नई से भाजपा उम्मीदवार आरएस पॉल कनगराज के लिए प्रचार कर रही थी। डीएमके द्रविड मुनेत्र कड़गम का संक्षिप्त रूप है। ये तमिलनाडु का एक प्रमुख राजनीतिक दल है। डीएमके के नेता एमके स्टालिन तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। कांग्रेस भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टियों में से एक है। तमिलनाडु में डीएमके के साथ कांग्रेस का गठबंधन है। स्मृति ईरानी ने डीएमके पर सनातन धर्म के खिलाफ बयानबाजी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि तमिलनाडु सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राज्यों में से एक है, लेकिन यहां के डीएमके नेता सनातन धर्म पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वो चुनाव लड़ने के लिए PFI जैसे आतंकवादी संगठनों से समर्थन मांग रही है। ईरानी ने उत्तर प्रदेश के वायनाड और तमिलनाडु का जिक्र करते हुए कहा, वायनाड में UPA ब्लॉक एक दूसरे से लड़ रहा है, लेकिन जब वे दिल्ली में मिलते हैं तो वो एक दूसरे को गले लगाते हैं। और आज मैं तमिलनाडु में हूँ, मैं केवल यही कह सकती हूँ कि दिल्ली में वे गले मिल रहे हैं, केरल में वे भीख मांग रहे हैं और तमिलनाडु में वे गुंडागर्दी कर रहे हैं। बाकी स्मृति ईरानी का डीएमके पर सनातन विरोधी बयानबाजी का आरोप एक बड़ा सियासी मुद्दा बन गया है। इस घटना का तमिलनाडु की राजनीति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। जहां कुछ लोगों का मानना है कि ईरानी का ये आरोप केवल एक सियासी चाल है, तमिलनाडु में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और भाजपा डीएमके के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। इस आरोप को भाजपा के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने और डीएमके मतदाताओं को लुभाने की कोशिश के रूप में देखा जा सकता है। वहीं दूसरों का मानना है कि ईरानी का ये आरोप धार्मिक ध्रुवीकरण का प्रयास है। भाजपा लंबे समय से हिंदुत्व की राजनीति करती रही है और ईरानी का ये आरोप हिंदू मतदाताओं को लामबंद करने की कोशिश हो सकती है। इस आरोप से भाजपा और डीएमके के बीच तनाव बढ़ सकता है। दोनों दल तमिलनाडु की राजनीति में प्रमुख खिलाड़ी हैं और इस आरोप से उनके बीच प्रतिद्वंदिता और बढ़ सकती है। दूसरी तरफ इस आरोप से कांग्रेस की भी दुविधा बढ़ गई है। कांग्रेस तमिलनाडु में डीएमके के साथ गठबंधन में है, लेकिन ईरानी के आरोप से उसके लिए डीएमके का बचाव करना मुश्किल हो गया है। तो इस तरह हमने जाना कि स्मृति ईरानी का डीएमके पर सनातन विरोधी बयानबाजी का आरोप एक जटिल मुद्दा है, जिसका तमिलनाडु की राजनीति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। इस आरोप का कई तरह से विश्लेषण किया जा सकता है और ये देखना बाकी है कि इसका दीर्घकालिक प्रभाव क्या होगा। इसी तरह की और खबरों के लिए जुड़े रहिए एयर न्यूज के साथ। धन्यवाद।